Hey guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So ladies, आप देख सकते हैं मैंने आज एक शिमरी सा ब्लाउज पहना और एक बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी मेरे पास है, क्योंकि आज मेरा मूड कुछ और है. आज मैं आपको कोई बेबी से रिलेटेड टिप्स नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे स्टाइलिंग वीडियोज बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे. तो नाउ आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग बनारसी साड़ी को कैसे आप डिफरेंट स्टाइल में ड्रेप कर सकते हैं उसका एक वीडियो लाई हूँ. एक्चुअली ये आइडिया मुझे मेरे हस्बैंड से आया. एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे थे और उन्होंने मेरे काफी सारे वीडियोस देखे और उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि तुम्हारी सारी वीडियोस कितने ज्यादा मिस करते तुम्हारे सब्सक्राइबर्स और कितना ज्यादा प्यार मिला है तुम्हारे साड़ी ड्रिपिंग वीडियोस को. तो क्यों ना तुम आज फिर से एक साड़ी ड्रिपिंग वीडियो बनाओ और थोड़ा सा चेंज करो आज की वीडियो को. तो मेरे दिमाग में भी आइडिया आया, यस इट्स अ गुड वे कि अब मैं वापस से थोड़े स्टाइलिंग वीडियोस बनाऊं आप सभी के लिए. तो आज आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बनारसी साड़ी है और मैं आपको बता दूं ये मेरी मम्मी की शादी की साड़ी है जो उन्होंने अपनी वेडिंग डे पे पहनी थी, अपने फेरे पे पहनी थी. एंड दिस साड़ी इज रियली वेरी क्लोज टू माय हार्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है. पहले की बनारसी साड़ियों की बात ही अलग होती थी, ये प्योर बनारस से है. मेरे नाना जी मेरी मम्मी के लिए बनारस से ये साड़ी लाए थे और उनके पास बहुत अमेजिंग कलेक्शन है बनारसी साड़ी का, जिसमें से मैंने ये स्टील कर ली क्योंकि ये मेरी बहुत वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी है, पहनना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. और यू नो लाइक ये बनारसी साड़ी का जो ट्रेंड है वापस आ रहा है एंड लाइक बहुत सारे यंग वुमेन्स हमारी तरह लाइक सब बनारसी साड़ी पहनना पसंद कर रही है आजकल शादियों में. इवन हम सेलिब्रिटीज को देखें लाइक दीपिका पादुकोण एंड अनुष्का शर्मा, उन्होंने भी अपनी डी डे पे मेन डे पे बनारसी रेड साड़ी पहनी है और उसकी बात ही अलग होती है. कोई अमेजिंग लहंगा उसकी जगह नहीं ले सकता. तो बनारसी साड़ी की ड्रेपिंग आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक डिफरेंट स्टाइल में. आई होप आज का ये स्टाइलिंग वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा. लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा लोग इस अमेजिंग वे में साड़ी पहन पाए और मुझे बहुत सारा थैंक यू कह पाए. और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माय यूजर आईडी इज sagrika_jain. तो आइए शुरू करते हैं अमेजिंग साड़ी ड्रेप करना. बनारसी साड़ी यू नो ये 32 इयर्स ओल्ड साड़ी है और आप देख सकते हो आज भी ये कितनी ज्यादा अमेजिंग है. और मैं इसको पहले भी बहुत बार पहन चुकी हूँ. इवन लास्ट दिवाली पे मैंने पूजा में इसे पहना था एंड आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स इस साड़ी के लिए. बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था आज ये साड़ी हम लेने जाए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आएगी, बट आई एम रियली थैंकफुल कि मम्मा ने मुझे ये दिया है. तो वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो आइए शुरू करते हैं साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल को. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द साड़ी ड्रेपिंग इन अमेजिंग स्टाइल. तो आपको ज्यादा कुछ चीजें नहीं लगेगी, आपको सेफ्टी पिन्स लगेंगे जो आपको रखना है अपने पास. और साथ ही अगर आपके पास कोई स्टाइलिश बेल्ट है तो आप ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते. मेरे पास ये अमेजिंग सी गोल्डन बेल्ट थी तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि कैसी लगेगी ऊपर से ये साड़ी के ऊपर. तो ये इंडो वेस्टर्न लुक देगी आपकी साड़ी को. और अगर आपके पास कोई भी ब्यूटीफुल सी बनारसी साड़ी है तो वो आपको लेनी है. तो आइए शुरू करते हैं ड्रेपिंग को. ओके लेडीज, सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रेपिंग. तो ये ब्यूटीफुल सी बनारसी साड़ी है. पहले इसको मैं अच्छी तरह ओपन कर लूँगी क्योंकि बनारसी साड़ी बहुत हैवी होती है. एक बार मैं उसको ओपन कर लूँगी और उसको अच्छे से फैला लूँगी ताकि मुझे उसको ड्रेप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि इस साड़ी की हैवीनेस को ग्रेसफुली कैरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है. तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से ओपन कर लिया इसको साड़ी को. अब मैं इसका एक कॉर्नर लूँगी और जैसे हम नॉर्मल साड़ी में टक इन करते हैं अपना, तो उस तरीके से मैं टक इन कर रही हूँ इसे अपने पेटीकोट के अंदर. तो इस तरीके से आपको टक इन करना है जैसे हम नॉर्मल साड़ी में करते हैं. और एक बार आपको इस तरीके से राउंड लेना है, आप देख सकते हो. और ये मैंने राउंड लिया और अब मैं इसको फिर से आगे से भी फ्रंट से भी टक इन कर लूँगी. अब मैं वापस जाऊँगी और पूरे कॉर्नर तक साड़ी के और वन आर्म डिस्टेंस, आप इसे नोट कर लीजिए, आपको वन आर्म डिस्टेंस लेना है और उतना जो पल्लू है आपको छोड़ना है. ये मैं मेजर कर रही हूँ वन आर्म डिस्टेंस एंड वन आर्म डिस्टेंस को मेजर करने के बाद उतना पल्लू मैंने छोड़ दिया है और बाकी का जो पल्लू रह रहा है मैं उससे जो है वो टक इन कर रही हूँ इस तरीके से ताकि वो अच्छे से बना रहे. बाद में हम इसकी प्लीट्स बनाएंगे और मैं इस तरीके से टक इन कर लिया, आप देख सकते हो. और ये जो साड़ी इतनी जो है वो हम छोड़ देंगे और अब जो हमारा जो पल्लू छोड़ा हुआ है उसको मैं पीछे से राउंड लूँगी इस तरीके से, आप देख सकते हो. मैं ये पीछे से आपको राउंड लेना है इसका, कंफ्यूज मत होइएगा.
और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इजी होगा, क्योंकि अभी तो ये नॉर्मल साड़ी की तरह ही लग रहा है। और अब जो है मैं इस वाले पल्लू को पीछे से लेने के बाद इसके प्लीट्स बनाऊंगी। बहुत ही ग्रेसफुली आपको प्लीट्स बनाना है। यू नो बनारसी साड़ी के पल्लू के प्लीट्स बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, बट अगर आप उसको धीरे धीरे पेशेंटली बनाएंगे विद द ग्रेस तो आप ईजिली उसे बना पाएंगे। मुझे भी काफ़ी प्रैक्टिस लगती है और अभी भी मैं साड़ी पहनने में प्रो नहीं हूँ, लेकिन मुझे डिफरेंट स्टाइल्स में साड़ी पहनना बहुत पसंद है और उसका ट्यूटोरियल पसंद है जो भी मुझे अच्छा लगता है देना, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ नए नए स्टाइल्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी प्लीट्स बन गई है। थोड़ा सा प्लीट्स बनने के बाद जो बनारसी साड़ी है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है कंधे पर, तो आपको इसे कैरी करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बहुत ही नीटली मैंने प्लीट्स बना ली और अब इसको मैं शोल्डर पे ड्रॉप कर लूँगी। तो आप बहुत ही धीरे से आपको शोल्डर पे ड्रॉप करना है ताकि आपकी प्लीट्स बिल्कुल ना बिगड़े, क्योंकि आपको इसको एकदम नीट लुक देना है। इस तरीके से आप देख सकते हो कितना नीट लुक आया है मेरी प्लीट्स का। और एक बार और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे शोल्डर पे ताकि ग्रेसफुल लगे काफ़ी ये। यू नो बनारसी साड़ी अपने आप में बहुत ग्रेसफुल लगती है और अगर ये प्रॉपरली ड्रेप हो तो इसका जो ग्रेस है वो डबल हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया है इसका पल्लू भी और बहुत ही अमेजिंग तरीके से मेरा पल्लू बन गया है। अब बारी है इसको सिक्योर करने की सेफ्टी पिन से। आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप सेफ्टी पिन लेंगे बनारसी साड़ी को सिक्योर करने के लिए, तो आपको थोड़े बड़े साइज़ के और थोड़े मोटे वाले सेफ्टी पिन लेने हैं, क्योंकि अगर आप छोटे वाले सेफ्टी पिन लेंगे तो बनारसी साड़ी में डेफिनेटली ये बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे और आपकी साड़ी सिक्योर नहीं हो पाएगी। तो ये मैंने अपनी जो पल्लू है उसको सिक्योर कर लिया है प्लीट्स को ताकि अब ये बिगड़े नहीं और बहुत ही अच्छे से मेरी प्लीट्स जो हैं वो बन चुकी है। अब जो हमने आगे की तरफ जो साड़ी का भाग छोड़ा था अब हम उसकी धीरे धीरे प्लीट्स बनाएंगे और बहुत ही ग्रेसफुली और बहुत नीट प्लीट्स बनानी है आपको फ्रंट में भी, क्योंकि बनारसी साड़ी की जो प्लीट्स है ये बहुत ही ब्यूटीफुली आती है निकल कर अगर आप वो प्रॉपरली बनी हो तो। तो ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे आपको प्लीट्स और फ्रंट की भी बनानी है। एंड आप देख सकते हो मेरी प्लीट्स जो है ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब जो है मैं इसे पेटीकोट के अंदर धीरे से टक इन कर लूँगी। आपको एकदम केयरफुली इसको टक इन करना है और कई बार क्या होता है कि बनारसी साड़ी इतनी हैवी होती है कि कई बार ये जो है इसके वेट के कारण जो प्लीट्स है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरती है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप आगे से भी सिक्योर कर सकते हैं अपनी साड़ी को पिन से। तो आप देख सकते हो इतना प्यारा सा काउल का ये ड्रॉप आया है साइड से। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और फिर नहीं तो अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो इसको एंड में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको इसको सिक्योर करना है। और आप देख सकते हो ये स्टेप आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी साड़ी की और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी से। ये भी एक लुक हो गया है एक्चुअली साड़ी का। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक कॉर्नर लेंगे साड़ी का और हम बनाएंगे वी प्लीट्स। इसको वी प्लीट्स कहा जाता है और इस तरीके से आपको वी शेप की प्लीट्स बनानी है। और आप देख सकते हो एक बार प्लीट्स कैसे बनानी है आप देख लीजिए। देन इसको पीछे से आपको लेकर टक इन करना है और सिक्योर करना है पिन से। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है वो सिक्योर करना पड़ेगा। और आई नो ये आपके बस की बात नहीं है पीछे पिन लगा रहा, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अभी तो मैंने खुद से ही पिन लगा ली, अदरवाइज़ मैं किसी की हेल्प ज़रूर लेती हूँ बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है इस तरीके से पिन लगाना। तो आप ऐसे सिक्योर कर लीजिए पीछे से भी इस पल्लू को और आप देख सकते हो आगे से कितना प्यारा लुक आया है इस साड़ी का। और इस तरीके से आपकी साड़ी का लुक आएगा आफ्टर टकिंग दैट पल्लू बिहाइंड। तो इस तरीके से आप इसको सिक्योर करने के बाद ये एक लुक है फ्रंट का, आप देख सकते हो। तो बहुत ही प्यारा लुक आया है और एक डिफरेंट लुक आया है बनारसी साड़ी का। तो आपकी बनारसी साड़ी को पहनने का बहुत ही अमेजिंग तरीका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो आप इस तरीके से इसका वी बनाकर यहाँ पर जो है आप पिन से सिक्योर कर लीजिए इसको, और ये जो है फिर आपका बहुत ज़्यादा नीटेड दिखेगा। और आप चाहे तो उसको काउल की तरह भी छोड़ सकते हैं। मैंने आपको दोनों वे बता दिए हैं, तो ये आपका चॉइस है आपको कैसे रखना है इसको। तो मैंने इसको पिन से सिक्योर कर दिया ताकि थोड़ा नीट लुक आ जाए इधर साइड से भी अगर आपको चाहिए तो। तो देख सकते हो आप ये इस तरीके से लुक आएगा सिक्योर करने के बाद इसका।
तो ये जो है कंप्लीट लुक है साड़ी ड्रेपिंग का। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बेल्ट यूज़ की थी मैंने शुरू में आपको सभी को दिखाई थी, तो वो बेल्ट जो है आप लगा सकते हैं इस तरीके से, तो आपकी लुक को इन्हेंस कर देगी और एक इंडो वेस्टर्न लुक देगी आपको। तो इस तरीके से आप बेल्ट लगा सकते हैं, आपके पास जो भी बेल्ट अवेलेबल हो जो आपकी साड़ी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जाती है, और आजकल बहुत सारी स्टाइलिश बेल्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बेल्ट जो है वो टाई कर ली है और एक इंडो वेस्टर्न लुक मिल गया है। तो बहुत ही अमेजिंग लुक आया है साड़ी का और बहुत ही सुंदर लग रही है बनारसी साड़ी, और मुझे तो ये साड़ी पर्सनली बहुत पसंद है। और इस तरीके से ड्रेप करने के बाद इसकी साड़ी का लुक जो है और भी ज़्यादा अच्छा आ गया है, और जो पल्लू है वो उभर कर आ रहा है, एकदम अच्छे से उसका डिज़ाइन दिख रहा है और एक अलग टाइप का लुक दिख रहा है बनारसी साड़ी का। तो आप एक बार फुल लुक ले लीजिए इस तरीके से कि कैसा लुक आया है ये। आई होप आप भी इसे ट्राई करेंगे। सो हियर आई कम, सो सी माय कंप्लीट लुक। आप देख सकते हो कितना ग्रेसफुल लग रहा है ये साड़ी लुक, एंड महंगे से महंगा लहंगा। आई ट्रस्ट मी, सब कुछ फेल है बनारसी साड़ी के आगे, और मैंने ज्यादा मेकअप भी कैरी नहीं किया आप देख सकते हो, क्योंकि बनारसी साड़ी का एक अपना एक लुक होता है। उसमें आप एक रेड बिंदी कैरी कर लीजिए, डार्क सी लिपस्टिक लगा लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप एक पार्टी की शान बन सकते हैं और आप एक छाप छोड़ के आ सकते हैं जहाँ जाते हैं। तो मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट साड़ीज में से है बनारसी साड़ी। तो आप देख सकते हैं ये है कंप्लीट लुक मेरा। एक्चुअली ब्लाउज इतनी अच्छे से नहीं जा रहा है इस साड़ी पे, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन शोइंग माई टमी, तो मेरे पास यही पैप्लम ब्लाउज था। तो बाकी आप कोई भी इंडो वेस्टर्न और अलग ब्लाउजेस कैरी कर सकते हैं बनारसी साड़ी के साथ। बनारसी साड़ी के साथ बहुत सारे टाइप के ब्लाउजेस जाते हैं और बहुत सारी अमेजिंग बेल्ट भी आजकल अवेलेबल है लाइक मार्केट में, तो आप कोई भी अमेजिंग सी स्टाइलिश बेल्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी बनारसी साड़ी को चार चांद लगा सकते हैं कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड करके। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मेरा यूज़र आईडी है sagrika_jain, और मैं तो बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करने वाली हूँ अपनी इस साड़ी को और बहुत सारे अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक करवाने वाली हूँ, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है, बहुत दिनों बाद मैं आज तैयार हुई हूँ और मैंने साड़ी पहनी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेक अ साड़ी ड्रेपिंग वीडियो, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने को बहुत दिन बाद मिल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मतलब येस, इट्स अ गुड आइडिया टू मेक अ साड़ी ड्रेपिंग वीडियो, और होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा। मैं इस टाइप के स्टाइलिंग वीडियोज़ भी आप सभी के लिए लाती रहूँगी। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस टाइप के और वीडियोज़ बनाने का। और अगर आप ये स्टाइल ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो ज़रूर भेजिए और मुझे कहीं ना कहीं से बताइए और आपकी फ़ोटोज़ भेजिए, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊँगी आप लोगों को देख के अगर आपने स्टाइल में साड़ी पहनी है। तो सो नाउ फाइनली, बाय, टेक।